नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आपकी बात में। यूकेडी जिसके इतिहास को 34 साल हो चुके हैं, उत्तराखंड के निर्माण की बात करें, उत्तराखंड के सपने की बात करें, पहाड़ के विकास की बात करें या पहाड़ के जन मुद्दों की बात करें, यूकेडी सबसे आगे रही। लेकिन आज की अगर बात करें, 2013 में बात करें या पिछले उत्तराखंड के इतिहास में इसे देखें, तो यूकेडी पिछड़ती चली गई। पहले 4 विधायक, उसके बाद 3 विधायक, उसके बाद आज 1 विधायक है और वो भी कहीं ना कहीं यूकेडी से निष्कासित ही माना जाता है। तो इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है काशी सिंह एरी जी, जो इस वक्त एक यूकेडी, जो कई सारे पार्ट हो चुके हैं उसमें से एक यूकेडी के अध्यक्ष एरी जी भी है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपकी बात में। एरी जी, इन 34 सालों के इतिहास की अगर हम बात करते हैं, तो इन 34 सालों के इतिहास में लगभग 14-15 साल आप पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं यूकेडी के, तो क्या जिम्मेदार आप अपने आप को नहीं मानते यूकेडी के इस बिखराव पर? बिखराव तो बाद में शुरू हुआ, जब हम अध्यक्ष थे हमने यूकेडी बनाई है। यूकेडी का संविधान से लेके यूकेडी के सारे जो आंदोलन है, राज्य की डिमांड का जो सारा एजेंडा है हमने तय किया है, सारा जन आंदोलन हमने तय किया है। और उसके बाद धीरे धीरे हमने सोचा कि कुछ नए लोगों को भी इसमें टेक ओवर करना चाहिए, उनको आना चाहिए, और मुश्किल वहीं से शुरू हुई। और जो दूसरे लोग आए, तो मुझे ऐसा खुद तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप विश्लेषण करेंगे लोग कहते हैं तो वो संभल नहीं पाई चीज़ें, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे साथ आंदोलन में थे, बहुत अच्छे आंदोलनकारी रहे हैं वो, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप करने की बात है, पॉलिटिकल एक्यूमन की बात है, उसमें शायद थोड़ी कमी रही होगी या जो भी रहा होगा, हम भी उसमें हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, सीनियर लीडर हूँ, मैं संरक्षक रहा हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन हमने उनको भी चांस दिया और चीज़ें बिगड़ती गई। कौन नए लोग? देखिए, 1994 में जब जन आंदोलन एक जन क्रांति बना, नए लोग की आपने बात की, जो नए लोग आप बता रहे हो, वो जो बिखराव की स्थिति आप बताते हो, तो त्रिविंदर पवार जी का नाम आता है यूकेडी में सबसे पहले, आप उन्हीं कहते हो त्रिविंदर पवार जी बिखराव में, तो वो कहाँ से नए लोग हो गए? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जब चेंज किया हमने तो उससे वो चीज़ें संभलने की बजाय बिगड़ती रही, हम कोशिश करते रहे लेकिन बिगड़ती रही, आपस के रिफ्ट हो गए, आपके आपस के ईगोज ज़्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हम भी उसको नहीं संभाल सके और स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं है यूकेडी की, और उसको एक बार फिर ठीक करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक हमको सफलता मिली है और आगे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति आएगी। कितने लोगों को उसके अंदर कोशिश में आप कामयाब हो गए, क्योंकि अभी भी एक यूकेडी है, त्रिविंदर पवार जी उसे लीड कर रहे हैं, यूकेडी को आप लीड कर रहे हैं, दिवाकर भट्टी अभी आप दोनों से दूर हैं, बीडी रतोड़ी जी आपके साथ आ गए, तो कहाँ स्थिति अच्छी समझ रहे हैं? देखिए, ये आपकी मीडिया का सवाल है, बहुत सारे लोगों के बीच में जो परसेप्शन गया है, अरे और दूसरा हमारे बीजेपी और कांग्रेस का, राष्ट्रीय दलों का एक कॉमन एजेंडा है, कॉमन एजेंडा हर जगह है, वो यहाँ भी है, यहाँ ज़्यादा कारगर उनका है कि किसी तरह से क्षेत्रीय ताकत को उभरने न दो, क्योंकि दोनों के लिए ये खतरनाक पोजीशन है, ये अनकम्फर्टेबल पोजीशन है जिसको लेके वो क्षेत्रीय दल को उभरना नहीं देना चाहते। माने की बात यही होगी कि क्षेत्रीय दल बात पूरी कर लूँ, मैं बात पूरी कर लूँ, और जगह तो वो लोग इसमें कामयाब नहीं हुए हैं और उनको उनको बियर करना पड़ रहा, उनको झेलना पड़ रहा है, NDA हो चाहे UPA हो। लेकिन नहीं, लड़ाई लेकिन, जो थी उत्तराखंड आंदोलन के समय, लड़ाई किस पार्टी से थी? लड़ाई आपकी NDA से थी, लड़ाई आपकी कांग्रेस से थी, पर उत्तराखंड निर्माण कौन सी पार्टी नहीं होने देना चाह रही थी? उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस ही थी दोनों पार्टी उस वक्त। उत्तराखंड निर्माण के दोनों विरोधी रहे हैं, भाजपा हो या कांग्रेस, तो फिर उन्हें आप लोगों ने समर्थन किया बाद में? समर्थन आपने भाजपा को भी या समर्थन आपने कांग्रेस को भी? ये तो राज्य बनने की बात है, बात की बात है बंधु। 1994 में जब जन क्रांति हुई और इनको लगा कि हम पहाड़ से मिट जाएंगे और यूकेडी छा जाएगी, तब मजबूरी में इन्होंने उस आंदोलन का साथ दिया और उस आंदोलन को भी भटकाने की, उसको तोड़ने की, उसको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की। इतिहास गवाह है, लिखने वाले वो लोग हैं, प्रचार करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे पास भी इतिहास है, हमारे पास भी प्रूफ हैं। लेकिन 94 की जो जनक्रांति हुई उत्तराखंड क्रांति दल के लगातार प्रयास के बाद, ये एक दिन में जनक्रांति नहीं होती है, न एक दिन में जनक्रांति हुई, उत्तराखंड क्रांति दल ने जो
1994 तक लगातार आंदोलन का दौर शुरू किया, आंदोलन यहाँ के उत्तराखंड की समस्याओं को लेके भी और एक मुद्दा राज्य बनाने के लेके भी। उससे जनमानस इतना तैयार हुआ, इतना विस्फोटक स्थिति आई कि सारी जनता, ये तो हमको अलगाववादी कहते थे, ये हमको पागल कहते थे, दोनों पार्टी के लोग, भाजपा और कांग्रेस। और हमने ये कहा था 1994 जब जनता पूरी सड़क में आ गई उत्तराखंड राज्य को लेके, तब हमने कहा था कि जो हमको पागल कहते थे आज खुद पागल हो गए हैं, अब राज्य बनेगा। और राज्य बना। और जो ये जो कमजोरी की बात आप कर रहे हैं या जो टूटने की बात कर रहे हैं, वो दुर्भाग्य से ये 2000 के एक बार पहले हुआ, क्योंकि हमारे जैसे दिवाकर भटजी का आपने नाम लिया है, वो उनका हम तो आज भी स्वागत करते हैं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। नहीं, स्वागत आप त्रिवेंद्र पवार जी का भी करोगे, वो जुड़े तो कर रहे हैं, स्वागत आप दिवाकर भटजी का भी करोगे। 1994 क्रांति की आपने बात कही, उस वक्त जो आंदोलन था सपा के खिलाफ भी आंदोलन था, सपा भी नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड का निर्माण हो, आप विधायक थे, सपा के समर्थन में थे, आपके साथी लोग ने भी कहा कि काशी सिंह एरी जी दूर रहते हैं, योगेडी कुछ और कहती है, काशी सिंह एरी जी सपा की बात करते हैं। मैंने कभी सपा की बात नहीं की। 1993 में सपा की सरकार बनी और उसका समर्थन था कांग्रेस का, कांग्रेस और सपा की सरकार थी, आप अच्छी तरह से जान लीजिए। 1993 में ये सरकार बनी तो बीएसपी और सपा अपोजिशन में भाजपा आई, कांग्रेस बीएसपी और सपा इनकी सरकार थी। हमारा तो क्या था, मैं तो एक विधायक थे लेकिन वो भी सपा के साथ थे। मेरा अभी भी हमने सपा का समर्थन नहीं किया है, हम तो उत्तराखंड राज्य की लड़ाई को उत्तराखंड की विधानसभा में पूरी तरह से उठाते थे, ना हम सरकार में थे विपक्ष में थे, हमारा एजेंडा अलग था। ये तो भाजपा का खास तौर पर प्रचार था कि ये तो सपा से मिल गए हैं। और वो प्रचार कैसे किया, जब 1994 में जनक्रांति हुई और मुलायम सिंह जी की सरकार के दौरान, मायावती मुलायम सिंह जी की दोनों की मोर्चे की सरकार थी, उस दौरान जब ये सारी एट्रोसिटीज़ हुई, जब हमारा खटीमा गोलीकांड हुआ, मसूरी गोलीकांड हुआ, उसके बाद फिर रामपुर तेरह में गोलीकांड हुआ, तो उनको लगा कि इनको टारगेट करने का, काशी सिंह एरी को और यूकेटी को टारगेट करने का मौका है, उन्होंने कहा ये तो उनके साथ थे। नहीं, आपके साथी लोग भी कहते हैं कि एरी जी जब रामपुर तेरह कांड, हमारे साथी वो होंगे जो कहते होंगे, जिन्होंने फीडबैक आपको दिया है, बहस में बुला लीजिए, वो पीछे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, वो अब कह रहे हैं ये तो हमारे चेले हैं जो कहने वाले, कौन है मुझसे सीनियर इस उत्तराखंड कांड में आज की तारीख में, ये बता दो। तो मैं लेकर चल रहा हूँ कि सबसे जिम्मेदार आप थे, तो फिर क्यों बिखर गई पार्टी? हाँ, कौन से नया लोग आपने जोड़े जिन्हें पार्टी के बिखरने की वजह बने, वो लोग नहीं नए जुड़ने वाले लोग वजह नहीं बने, आपने कहा कि नए लोग जोड़ के हैं वो एक वजह रही, नए लोगों उन लोगों को जिनको हमने कहा कि इनको भी नेतृत्व में आगे आना चाहिए, वो दिया तो फिर झगड़ा शुरू हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, जोड़ने वाली बात नहीं है, ये तो सब शुरू से रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, कुछ कोई एक साल बाद आया, कोई दो साल बाद आया, कोई दस साल बाद आया, लेकिन जब उनके हाथ में ये सारी जिम्मेदारी गई तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया तो अपने स्तर से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में ईगो टकराए या क्या हुआ, झगड़ा हुआ, त्रिवेंद्र पवार वर्सेज दिवाकर भट्ट, फलाना वर्सेज फलाना, ये होता रहा। हम जब तक बडोनी जी थे हमारे साथ, जब वो संरक्षक थे, और उसके बाद त्रिपाठी जी हमारे साथ थे, तो तब तक हम सब लोग मिलके इसको ठीक कर लेते थे। और कालांतर में बडोनी जी भी चले गए और फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर आई, पूरी जिम्मेदारी हम एक किस्म से कहना चाहिए संरक्षक आप थे सबसे दोनों के बाद, त्रिपाठी और बडोनी उनके बाद आप थे, तो आप क्यों नहीं उस जिम्मेदारी को संभाला? हाँ, मैंने अपनी ओर से जिम्मेदारी पूरी संभाली। देखिए क्या होता है, जब संरक्षक इंद्रमणि बडोनी जी थे, मैं अध्यक्ष था, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे मुकाम आए हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा बना है सिचुएशन कि हम दोनों ने मिलकर उसको ठीक किया। लेकिन वो तब मैं उनकी मानता था, वो मेरे पे विश्वास करते थे, और उसके बाद ये जो नए साथी लोग हैं, इन्होंने तो कह दिया संरक्षक क्या होता है, वो एडवाइस कर सकता है, उसकी बात मानना जरूरी नहीं है, तो फिर धीरे धीरे हमने कहा भाई ये हमारी बात। तो ये लीडरशिप में कमी थी, संरक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा पाया या अध्यक्ष के साथ उसकी पट्टी नहीं, क्या वजह रही उसकी? देखिए अध्यक्ष, सारी पावर तो अध्यक्ष के पास होती है, संरक्षक का रोल वही होता है कि वो समझाए कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। अध्यक्ष में भी आप 14 साल रहे, 14-15 साल अभी दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। तब पार्टी देखिए, वहाँ से 94 का आंदोलन भी हुआ है, उसी और उस आंदोलन के दौर में भी, 94 में भी मैं संयुक्त संघर्ष समिति का भी अध्यक्ष था,
हमने यूकेडी को पीछे कर दिया। सब लोग ने कहा कि आपको अपनी पार्टी का झंडा झंडा अलग करना चाहिए और ताकि हम लोग भी आ सकें। कर्मचारी थे, स्टूडेंट थे, व्यापारी थे, सारे थे, लोग थे। उन्होंने कहा कि हम यूकेडी के झंडे झंडे में नहीं आएंगे। अगर आप संयुक्त संघर्ष समिति कोई ऐसा बनाते हैं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो हम उसमें आ सकते हैं। तो हमने कहा ओके, हमने अपने पार्टी के संगठन को भी पीछे किया और संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उसका अध्यक्ष मैं था, संरक्षक माननीय बडोनी जी थे। फिर भी लड़ाई हुई, कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा आंदोलन गया। मतलब उत्तराखंड यूकेडी का झंडा काफी नहीं था, उत्तराखंड झंडा कहीं ना कहीं कमजोर था, काफी था, बहुत बड़ा था, झंडा कमजोर था, कमजोर नहीं था, बड़ा था। और उनको इस बात पे हिचक थी कि हम इसमें आपके झंडे के नीचे आएंगे। चलिए बातचीत चलती रहेगी, फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। काशी सिंह एरी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, 1994 के आंदोलन की बात कर रहे हैं, संघर्ष समिति बनी, इन सब मामलों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।